अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अलहमदिल्ला मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जल्द से जल्द बन जाने वाली ये रेसिपी, जिसका नाम है चिकन कबाब। कि चिकन कबाब हम नए स्टाइल से और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, कम मसालों के साथ हम बनाएंगे। जो मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगी, तो पहले मैंने लिया है 1 kg, ये मैंने चिकन लिया है कीमा। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आधा एक घंटे के लिए मैंने इसको चलनी में रख दिया था ताकि इसका पानी सब निकल जाए। फिर मैं इसको पीसूंगी मिक्सी में और फिर मैं आपको दिखाऊंगी पीसने के बाद इसमें कौन कौन से मसाले जाते हैं। तो चलिए पहले मैं मिक्सी में पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी अब देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक कीमा बिल्कुल पीस लिया है। ये इस तरह से हो गया है। अब हम मिलाएंगे इसमें मसाले। 1 teaspoon मिलाऊंगी मैं लहसुन का पेस्ट। और 1 teaspoon अदरक का पेस्ट। और 2 tablespoon मिलाऊंगी मैं लेमन का रस। वन टीस्पून डालूंगी मैं नमक, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग है आपके। 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला और 1 teaspoon जीरा पाउडर। बस यही मसाले जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप चाहे तो एक रात इसको फ्रिज में रख सकते हैं, मसाला मिक्स करके नेक्स्ट डे भी बना सकते हैं कबाब अपने। मैं एयर फ्राई में भी बनाऊंगी और आप चाहे तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से बन सकते हैं। तो अब चलिए हम इसको मिक्स करेंगे मसालों को अच्छे से। अच्छे से हम ये मसाले बिल्कुल मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे 30 मिनट्स बाद हम इसको कबाबों को बनाएंगे। आधा घंटे के लिए हम इसे मसाले लगाकर फिर हम इसे रख देंगे। क्योंकि ज़्यादा कीमा है तो मैंने 1 teaspoon लिया है। अगर कम आपका कीमा है 1/2 kg तो आप जो है 1/2 teaspoon लें हर चीज़। इसी तरह मिक्स करके फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी बना के किस तरह से ये एयर फ्रायर में तैयार होते हैं। जो डाइट कॉन्शियस हैं और जो डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है ये कबाब। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी बना के। जी अब मैंने बिल्कुल बारीक इसमें सिर्फ हरा धनिया काटा है, वो भी 4 tablespoon बिल्कुल बारीक करके इसे काट दिया है। अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि हरा धनिया भी हमारा मिक्स हो जाए। और कुछ चीज़ें इसमें जाएंगी नहीं, जो मैंने आपको दिखाई हैं बस वही जाएंगी। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हरे धनिए को। अब हम इस पर करेंगे हल्का सा स्प्रे ऑयल का। और इसको 30 मिनट्स के लिए अब हम फ्रिज में रख देंगे एयर टाइट करके इस तरह से। जी अब देखते हैं, आधा घंटा हो चुका है हमारे कबाबों को, कीमों को मैंने निकाल लिया था। अब हम इसके बनाएंगे कबाब, जो मैं चीज़ वाले भी दिखाऊंगी आपको और बिना चीज़ के। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा लेंगे इसको हाथ पे, और हाथ पे चाहे तो आप पानी लगा लें ऑयल। मैंने हल्का सा ऑयल स्प्रे कर लिया है इस पर। तो अभी हम ले रहे हैं कबाब इस तरह से। ताकि ये चिपके नहीं हाथ पे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैंने की नहीं है। प्याज नहीं ऐड करनी है क्योंकि उसमें पानी छोड़ देती है। तो इस तरह से हम फैला लेंगे इसमें। और वो देख रहे हैं आप चीज़ मैं इसके अंदर डालूंगी बीच में। अब हम इसको कवर्ड करेंगे इससे खेमे से इस तरह से।
और फिर हम हल्का सा, जैसे ये चिपक रहा है तो हम अब फिर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथ पे इस तरह से, ताकि ये चिपके नहीं और एक सा बने हमारा। शेप आप कोई सा भी दे सकते हैं, गोल भी और ऐसे भी, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरा हाथ का चीज़ है, ये वैसा नहीं है जो ऊपर आ रहा है, तो इसी तरह आप इसको बनाएं और फिर इसको हीट कर लें, आप कबाबों को हीट कर लें। देखिए कितना ज़बरदस्त ये देखिए बना है। हाथ पे लगा लिया है देखिए पानी, और ये इस तरह से एकदम देखिए इस तरह के शेप का आप बना सकते हैं। आप चाहे तो गोल भी ले सकते हैं, देखिए हल्का हल्का चीज़। अब इधर साइड में रखा हुआ है एयर फ्रायर, तो अभी हम पहले बना लेते हैं, ये है चीज़ वाला। अब मैं बनाऊंगी बिना चीज़ के। शेप आप कोई सा भी दे सकते हैं जो आपको पसंद है। तो अब मैं दूसरा दिखा रही हूँ, देखिए आप इस तरह के से भी बना सकते हैं। ये प्लेन वाला है, ये देखिए तो ये भी हम रख देंगे आप। और देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, और ये बहुत सॉफ्ट और एकदम जूसी, और ये एकदम फूल के आते हैं, जबकि मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ सादा मसाले जो घर के हैं वो मैंने इसमें ऐड करे हैं बस। ये भी हम एक साइड रख देते हैं। और फिर मैं इसी तरह आपको सभी दिखाऊंगी बना के, और गोल वाले में भी आप चीज़ भर सकते हैं, जैसे वो मैंने सादा बनाया है। अब मैं इसमें चीज़ डाल के भी दिखाऊंगी आपको। इसमें इस तरह से आप कर लीजिए, और इसमें आप थोड़ी सी चीज़ ऐड करें, इसको फोल्ड कर लें, और साइड में ही पानी रखें आप या ऑयल, जिससे ये चिपके नहीं आपका कीमा हाथ पे। इसी तरह इसको कवर्ड करें, देखिए इस तरह से ये देखिए बंद हो गया है। अब मैं लूँगी हल्का सा पानी, ये देखिए ज़बरदस्त देखिए कबाब बना है चीज़ वाला। ये प्लेन है, इसमें भी चीज़ है और उसमें भी चीज़ है। अब इस शेप में मैं दूंगी आपको प्लेन वाला, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हल्का सा हम लगाएंगे हाथ पे ऑयल, और देखिए इसी तरह कर लेंगे। और मैं शैलो फ्राई भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से होते हैं, मगर सबसे बेस्ट जो तरीका होता है उस पर भी सीख जाते हैं शैलो फ्राई में, मगर एयर फ्राई में बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। और जिनके पास एयर फ्राई नहीं है वो शैलो फ्राई करें, वो भी बहुत ज़बरदस्त। देखिए प्लेन है, तो पहले मैं आपको एयर फ्राई में दिखाऊंगी, ये है प्लेन। तो प्लेन वाले हम एक साइड कर देते हैं। एक और मैं बनाऊंगी, दूसरा शेप मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे चिकन नगेट्स होता है उसी तरह से मैं आपको ये दिखा रही हूँ, एक शेप ऐसा, ये देखिए इस तरह से आप ये भी शेप ले सकते हैं। ये देखिए तो एक ये हम ऐड करेंगे इसमें, ये देखिए तो चलिए अब मैं एयर फ्राई में आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम लगाएंगे और कितने टेम्परेचर पे।
देखिए आप, ये है एयर फ्रायर, मैंने 180 पे कर लिया, अभी से हम हीट कर रहे हैं थोड़ा सा गरम, और ये चिकन का साइन बन रहा है तो हमने इसे 180 पे किया है, और अभी बस 5 मिनट के लिए हम इसको हीट करेंगे और फिर हम एक एक करके अपने कबाब इसमें सभी तरीके से हम लगाएंगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अब ये गरम हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके देखिए इसमें कबाब लगाएंगे। पहले हम इसमें मैंने स्प्रे कर लिया है ऑयल से नीचे भी, ताकि चिपके नहीं इस तरह से, और अब हम इसमें लगाएंगे कबाब। अब देखिए मैं एक एक करके कबाब रखूंगी, 2 हमारे चीज़ के हैं, बाकी ये प्लेन है। आप चाहें तो सब में चीज़ भर सकते हैं, और आप चाहें तो बिना चीज़ के भी बना सकते हैं। तो मैं अब इसमें एक एक करके आपको दिखाती हूँ डाल के। देखिए कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें इसको इसी तरीके से हम रख देंगे। पे हमने रख दिया है, और अभी हमने टाइम लगाया है 20 मिनट का, मगर ये 15 मिनट्स में रेडी हो जाएगी, तो बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे, और बीच में जब ये थोड़े से ऊपर से कलर इनका चेंज होने लगेगा तो हम इसे स्प्रे से इसे ऑयल स्प्रे करेंगे। 5 मिनट बाद देखिए हमने इसे देखा है तो इस तरह से ये कलर चेंज होने लगा है, क्योंकि बीच बीच में इसे देखना है, और फिर हमें इसे इस पर अब इस टाइम पे 5 मिनट बाद हम इसे स्प्रे कर देंगे। अब इसे बंद कर देना है और 10 मिनट बाद फिर हम इसे देखें जी। अब देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसको दूसरी साइड, अब हम इसे पलटेंगे एक एक करके, बहुत आसान हल्के हल्के हम इसे पलटेंगे। देखिए ऑयल हमें लगाना नहीं है, दूसरी साइड पे हम इसे पलटेंगे। हीट अब हम इसकी कर देंगे थोड़ी तेज, मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने फुल कर दी है ताकि ये और अच्छे से इसके ऊपर कलर आए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट्स के बाद जी। अब देखते हैं इसका कलर किस तरह से हुआ है। देखिए कितना जबरदस्त कलर आना शुरू हो गया है इसका। अभी हम इसे हिला के और अच्छी तरह इसे पलटेंगे ताकि हमारे चारों तरफ से कलर बहुत ज़बरदस्त आए। इसको निकाल लें आप इस तरह से, देखिए हिलाएं इसको और इस तरह से चेंज होता रहेगा, और इसमें अभी और ज़बरदस्त
आएगा। देखिए दूसरी साइड। अब हम इसे निकाल के देखते हैं। टाइम कंप्लीट हो चुका है, 15 मिनट्स के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है और चीज़ भी इतनी सी भी नहीं निकली है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है इसकी। चटनी के साथ अभी मैं आपको दूसरे और दिखाऊंगी, शैलो फ्राई वाले, वो भी बहुत ज़बरदस्त होंगे। मैंने केचप और हरी चटनी, इसकी मैंने पहले से ही आपको वीडियो दिखा चुकी हूँ बनाकर, तो वो आप बनाएं। और ये चीज़ वाला और ये देखिए प्लेन वाले कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो अभी मैं आपको दूसरे दिखाती हूँ शैलो फ्राई। शैलो फ्राई के लिए देखिए मैंने ये तीन बना के रख दिए हैं। एक है इसमें चीज़ वाला, बाकी हैं सब प्लेन। ये है सिर्फ चीज़ वाला, बाकी मैंने दो प्लेन बनाए। तो मैं आपको ये शैलो फ्राई करके दिखाती हूँ जी। अब देखिए मैंने ले लिया है खुला पैन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वन टेबल स्पून ऑयल बस। इसको हमें एक सा कर लेना है। फ्लेम अब हम मीडियम कर देते हैं अभी हाई की। अब हम इसे पलटते हैं देखिए इस तरह से। कितना जबरदस्त कलर आया है। अब इसे हमें इसी दूसरी साइड भी इसी तरह सेकना है। और देखिए इसका साइज बढ़ने भी लगा है, देखिए फूलने लगे हैं। इसी तरह हम साइडों से भी इसे ऐसे सेकेंगे ताकि साइडें भी इसकी सिक जाएं। देखिए इस तरह से कलर आया है इनका। जी अब देखिए गैस मैंने ऑफ कर दिया है, इतना जबरदस्त कलर आया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और चारों तरफ से ये बहुत अच्छे से सिक गए हैं, आपको दिखा रही हूँ इतने जबरदस्त सिके हैं। और हर शेप में मैंने आपको दिखाया है
ये चीज़ वाला है और देखिए चीज़ भी इसमें बिल्कुल भी नहीं निकली है और फूल के कितने बड़े बड़े हो गए ये देखिए। तो अब मैं इसे डिश ऑफ करती हूँ जी। अब मैं दिखाती हूँ, देखिए ये है शैलो फ्राई और ये है एयर फ्रायर। तो पहले हम एयर फ्रायर भी देखिए कितने ज़बरदस्त सिके हैं और एकदम जूसी, ये दिखाती हूँ मैं अब आपको। ये देखिए कितने ज़बरदस्त चीज़ भरे हुए। अब आप ये इसे ग्रीन चटनी के साथ खाएं इस तरह से लगा के और एक केचप। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और अब हम दिखाते हैं शैलो फ्राई, ये देखिए कैसी आवाज आ रही है। और ये देखिए जबरदस्त, ये तो आप इसी तरह बनाएं इन कबाबों को, बहुत इजी है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं इंशाल्लाह हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़। दूसरा वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये है प्लेन वाले, कितने ज़बरदस्त कलर भी देखिए कितना अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।